हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सी एस एस। टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और पिछले वीडियो में अप्रैल मंथ के जो क्वेश्चन थे यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन थे। ये जो आपके टोटल यहाँ पर लास्ट में 15 क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व किया था और उसके बाद में हमने इनकी एंट्री जो थी वो टैली में कर दी थी। तो एंट्री तो हमने टैली में कर दी थी, लेकिन हमने कल रिपोर्ट नहीं देखी थी क्योंकि कल का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए हम रिपोर्ट जो थी वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। रिपोर्ट्स में हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे चेक किया जाता है, ट्रायल बैलेंस है क्या, और इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और ये क्या है, कैसे देखा जाता है, और बैलेंस शीट। तो इन तीनों रिपोर्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे और रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करना और प्रिंट करना भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टैली ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे वर्क इन एजुकेशन मोड पर यहाँ पर एंटर करते हैं और ये हमारी टैली ओपन हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कंपनी जो कल थी वो हमने बंद नहीं की थी, इसलिए आज भी खुला है। ठीक है, कल हमने क्या किया था, पहले एंट्री की थी और एंट्री करने के बाद में हमने तुरंत टैली को ही बंद कर दिया था। तो अगर आप टैली डायरेक्ट बंद कर देते हैं और आप कंपनी को शट डाउन नहीं करते, तो आप जब भी टैली ओपन करेंगे तो आपकी जो कंपनी होगी वो ओपन होगी। ठीक है, तो आप जब भी टैली में एंट्री करें उसके बाद में आप अपनी कंपनी को बंद कर दिया करें, ये आदत बना लें, क्योंकि रियल लाइफ में जो वर्क होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, किसी कंपनी वगैरह में, क्योंकि आपका कंप्यूटर कोई भी यूज कर सकता है, टैली सॉफ्टवेयर खोलेगा, भले ही आपके कंपनी पे पासवर्ड पड़ा हो, लेकिन अगर आपने आपकी कंपनी ओपन है तो उस पर कोई भी जाके छेड़खानी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी को हम बंद करना देखते हैं। तो मान लेते हैं कल नहीं बंद किया था, तो आज बंद कर देते हैं और उसके बाद खोलते हैं। तो कंपनी बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपनी इन्फो में जाना होगा। कंपनी इन्फो में जाने के लिए आपको अल्टर के साथ F3 बटन प्रेस करना है, अल्ट F3, और यहाँ पर सर्ट कंपनी कर देंगे, सर्ट कंपनी UPCSS, और ये बंद हो गई। तो अभी आपकी कंपनी बंद हो चुकी है। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं। मान लीजिए आज हमें रिपोर्ट्स देखनी है या फिर आगे की एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी इन्फो में जाएंगे, तो जो कि अभी हम कंपनी इन्फो में ही हैं, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना है और ये कंपनी हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, सेलेक्ट कंपनी में जाके उस पर एंटर कर देंगे, हमारी कंपनी जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब कंपनी ओपन हो गई है, अब हम गेटवे ऑफ टैली में वापस चले जाएंगे, उसके लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। और अब यहाँ पर अगर हमें एंट्री करनी है तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जा करके एंट्री करना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स चेक करनी है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट्स होती है उसके लिए हमें यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन में आना होगा। रिपोर्ट सेक्शन में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी और रेशियो एनालिसिस, ये यहाँ पर कई प्रकार की रिपोर्ट्स हैं जिसमें हम देखेंगे बैलेंस शीट कैसे चेक की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखा जाता है, ये दो चीज़ें देखेंगे। और स्टॉक समरी तो अभी हमारा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने परचेज और सेल्स की एंट्री नहीं की है। तो जब हम परचेज और सेल्स की एंट्री नहीं करेंगे तो स्टॉक समरी होगा ही नहीं। स्टॉक समरी होगा कब, जब हम इन्वेंटरी का काम करेंगे, तो ये कैश स्टडी 2 में आएगा। ठीक है, तो स्टॉक समरी को हम कैश स्टडी 2 में समझेंगे। तो इसमें जो मेन होता है आपका रिपोर्ट्स में, ट्रायल बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह होता है आपका बैलेंस शीट, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट। ठीक है, इनको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ, ट्रायल बैलेंस देखते हैं कैसे देखा जाता है, कहाँ से देखा जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है डिस्प्ले में, यहाँ पर लास्ट में, और डिस्प्ले पे एंटर करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर आपका ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, तो इसके ऊपर हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यह आपका ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर पर्टिकुलर्स यानी कि जो नेम है आपके वो दिखा रहा है, और यहाँ पर आपका ये डेबिट का अमाउंट है और ये आपका क्रेडिट का अमाउंट है। तो तीन चीज़ें होती है, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ऊपर आपका ये डेट दिखा रहा है कि ये जो ट्रायल बैलेंस है वो किस डेट का है, तो 1 अप्रैल 2016 का ये ट्रायल बैलेंस है, तो ऊपर ये डेट दिखाता रहता है। और अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को हम दो तरीके से देख सकते हैं, दो तरीके से मीन्स, अभी ये जो आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिख रहा है ये ग्रुप वाइज है। ग्रुप वाइज क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कैपिटल अकाउंट क्या है, ग्रुप है, करंट लायबिलिटीज क्या है, ग्रुप है, ये सारे क्या है आपके, ग्रुप हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप। तो ये अभी ट्रायल बैलेंस आपका जो दिखा रहा है ये ग्रुप वाइज दिखा रहा है। अगर आप लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लेजर वाइज पे, तो ये आपका लेजर वाइज दिखेगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जितने भी हैं ये सब क्या है, लेजर है। एसी का आपने क्या बनाया था, लेजर, एडवांस फॉर्म कस्टमर, कैश, सेलफोन, कंप्यूटर, ड्राइंग, ये सब आपके क्या है, लेजर है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस जो है लेजर वाइज दिखा रहा है, और पहले कैसे दिखा रहा था, ग्रुप वाइज। तो ये आपके क्या थे, ग्रुप थे। अब दोनों में अंतर क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, दोनों ही ट्रायल बैलेंस। तो लेजर वाइज में जब आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमने एसी खरीदी थी तो पूरा एसी का कंप्लीट अमाउंट दिखाता है कि एसी हमने 24,000 की खरीदी थी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पर 30,000 रुपये हमें एडवांस मिला था। इसी तरह से कैश, सेलफोन, कंप्यूटर, सबके सामने यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कितने की खरीदी गई थी या कितना खर्चा किया गया था या फिर जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन ग्रुप वाइज में क्या होता है कि हमें टोटलिंग मिल जाती है। जैसे अगर आपसे अभी पूछा जाए कि जरा ये बताओ कि फिक्स्ड असेस्ट कितना है, यानी फिक्स्ड
आपका फिक्स्ड असेट्स कितना है, यानी एक महीने में आपने कितनी स्थायी संपत्ति खरीदी है या कितने की खरीदी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको पहले इसमें एसी आपकी स्थायी संपत्ति, सेलफोन, कंप्यूटर और ऑफिस चेयर हो गया, ऑफिस टेबल हो गया, और आपका हो गया यहाँ पर लास्ट में हो गया ये वेटिंग चेयर। तो यहाँ पर आप इन सभी फिक्स्ड असेट्स को अलग निकाल के, इनका अमाउंट अलग निकाल के और फाइनली क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि टोटल अमाउंट क्या है, ठीक है। लेकिन ग्रुप वाइज में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका ये टोटलिंग ऑलरेडी दिखा रहा है। देखिए फिक्स्ड असेट्स, तो यहाँ पर ये टोटल कितना है, 65,700 रुपये का आपने एक महीने में यानी अप्रैल में आपने जो फिक्स्ड असेट खरीदी है वो कितनी है, 65,700 रुपये की खरीदी है। और आपके पास जो करंट असेट यानी कि चालू संपत्ति है वो कितनी है, 7,70,000 है। आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी खर्चे कितने किए, 10,200 रुपये के किए हैं। करंट लाइबिलिटीज यानी कि चालू दायित्व जो है वो कितने हैं, 51,200 रुपये। चालू दायित्व क्या होते हैं, जो हम किसी से उधार लेते हैं या फिर कोई हमें एडवांस दे देता है, वो सब लाइबिलिटी होती है और वो करंट लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो 51,200 रुपये टोटल है। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड में अमाउंट दिखा रहा है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। बाकी आप देखेंगे तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में नहीं दिखा रहा, लेकिन कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, 8,00,000 रुपये बिजनेस में लगाए थे और 45,00,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिया था, यानी ड्रॉइंग कर लिया था लास्ट वाली एंट्री में, क्वेश्चन नंबर 15 में, आपको याद होगा। तो ये दोनों साइड में अमाउंट इसीलिए दिखा रहा है। तो ग्रुप वाइज में क्या होता है कि हमें टोटलिंग पता चल जाती है। बाकी आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं ग्रुप वाइज में भी आप डिटेल देख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे ऑप्शन है डिटेल का, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F1, अल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं या डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस होगा, ये डिटेल में आ जाएगा, जिसमें क्या होगा आपके ग्रुप भी दिखाएंगे। ये देखिए ये क्या है आपके, ये आपके ग्रुप भी यहाँ पर दिखा रहे हैं और साथ में आपके यहाँ पर लेजर भी दिखा रहे हैं अमाउंट के साथ में, समझ गए। डिटेल डिटेल ट्रायल बैलेंस आपका यहाँ पर ये आ गया है। तो यही होता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस ये बनता कैसे है, ठीक है, ये समझते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कोई ज़्यादा मतलब टफ चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो जितनी भी हमने एंट्री की हैं, मतलब एक से लेकर के 15 क्वेश्चन तक की जितनी भी हमने एंट्री की हैं, उन सभी को क्या करता है, ये टोटल कर देता है। टोटल कर देता है मीन्स आपको याद होगा स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो था वो, मान के चलिए आप अप्रैल मंथ में 3 बार खरीदा गया था, हमें शायद याद नहीं, लेकिन आप मान लेते हैं कि 3 बार खरीदा गया था, लेकिन यहाँ पर तो एक ही बार दिखा रहा है, 3 बार नहीं दिखा रहा। क्यों, क्योंकि स्टेशनरी एक्सपेंसेस तीनों क्या थे, एक ही चीज़ थी, मतलब खरीदी 3 बार गई थी यानी 3 एंट्रीज की थी, लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ, इन तीनों को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर ये जोड़ करके टोटल बता दिया कि टोटल 9,000 रुपये की स्टेशनरी खरीदी गई थी, पता चल गया ना। तो यही होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या करता है, जो एक ही अकाउंट होता है वो प्लस माइनस हो जाता है आपस में, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस तो हालांकि एक ही बार हुआ था, डिपॉजिट असेस्ट आपको याद होगा 2 बार हुआ था, एक किसके लिए हुआ था, एक हुआ था 50,000 रुपये ऑफिस के लिए, दूसरा हुआ था 1,500 रुपये सेलफोन के लिए, 2 बार सिक्योरिटी हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, दोनों को एक में जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया, 51,500 रुपये। और इसी तरह से यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कैलकुलेट कर देता है, नहीं जोड़ देता है। तो अब एसी तो एक ही बार खरीदी गई थी, इसलिए अलग अलग अकाउंट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो लेजर होते हैं, मतलब जो कई बार रिपीट होती है एंट्री, वो जोड़ देता है। अब कैश तो आपको पता होगा, जो कैश होता है और जो बैंक होती है ये तो कई बार आती है, मतलब ये लगभग मान के चलिए आप हर क्वेश्चन में कैश और बैंक आते ही आते हैं, या तो कैश आता है या तो बैंक आता है, हर क्वेश्चन में नहीं, कुछ 2-4 क्वेश्चन छोड़ के। अगर उधार हुआ है, वाउचर जनरल है, तो वहाँ पर कैश और बैंक कुछ नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में कैश और बैंक रहता है, तो समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर जो टोटलिंग दिखा रहा है वो आपका एक ही बार दिखा रहा है, तो ये कैसे दिखा रहा है इसको आप समझिए। तो देखिए यहाँ पर कैश टोटल कितना दिखा रहा है, कैश दिखा रहा है आपका 2,48,300 रुपये, और बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट दिखा रहा है, 4,71,000 रुपये आपका दिखा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर कैसे बचा, तो इसको आप समझिए। तो बिजनेस कितने से स्टार्ट किया गया था, 8,00,000 रुपये से, ये बिजनेस स्टार्ट किया गया 8,00,000 रुपये से कैश के जरिए, किसके जरिए, कैश, ठीक है। तो 8,00,000 का कैश हो गया था, फिर उसके बाद क्या किया गया था, 5,00,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया। तो जब 5,00,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया, तो कैश हमारा कितना बचा, कैश बचा 3,00,000 रुपये, समझ गए ना, कैश कितना बचा 3,00,000 रुपये, और 3,00,000 में से भी हमारा कितना बचा, 2,48,300। ऐसा इसलिए क्योंकि 3,00,000 रुपये जो कैश बचा था, उसके बाद में हमने कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, जैसे कुछ भी खरीदा होगा, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेज ही हमने किए, तो कैश के जरिए किए, इसमें कई सारी चीज़ें हमने कैश के जरिए भी किए थी, यानी कि कैश हमने खर्च किया था। तो फाइनली हमारा कैश कितना बचा, 2,48,300, और बैंक में हमने कितना जमा किया था, 5,00,000 रुपये, जिसमें से हमारा कितना बचा, 4,71,000, बाकी का हमने चेक के जरिए भी किसी को पेमेंट किया होगा, समझ गए ना। तो यही होता है रिपोर्ट। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ जो है उसका कितना अमाउंट है। तो आप यहाँ से कैश देख सकते हैं कितना, बैंक देख सकते हैं कितना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चे टोटल कितने हुए, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं, ठीक है।
तो ये होता है ट्रायल बैलेंस। बाकी अगर आपको पता करना हो यहाँ पर कि प्रॉफिट कितना हुआ, क्या प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो आप यहाँ से नहीं देख सकते। क्यों? या तो देख सकते हैं, उसके लिए फिर आपको माइनस करना होगा। आप प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, तो ये कैसे निकलता है? आपको पता होगा इनकम जो होती है और जो हमारे एक्सपेंसेज होते हैं, तो इनकम से क्या होता है, एक्सपेंसेज को माइनस कर दिया जाता है। या तो इनकम को एक्सपेंसेज से माइनस किया जाएगा या फिर एक्सपेंसेज को इनकम से माइनस किया जाएगा। अब ये होगा कब? तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो इनकम से एक्सपेंसेज माइनस करेंगे, लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेज ज़्यादा है तो आप एक्सपेंसेज से इनकम को माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा हुई तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट, लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए तो क्या होगा, आपका लॉस। समझ गए ना? तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट में। तो यहाँ से आप उस चीज़ को नहीं पता कर सकते, या फिर आप क्या करें कि ट्रायल बैलेंस से आप इनकम और एक्सपेंसेस को मैन्युअली माइनस करें, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ है। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि टैली क्या है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना करके देता है। तो ट्रायल बैलेंस तो आपको समझ में आ चुका कि ये कैसे बनता है और इससे हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं और इसे हम कैसे देखते हैं। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, बाकी जो ट्रायल बैलेंस में चीज़ें आपकी क्वेरी कोई है या कुछ आपको लगता है कि ये कहाँ से आ गया या फिर ये कैसे हुआ है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अभी हमने सिर्फ अप्रैल मंथ की एंट्री की है। जैसे जैसे हम मई, जून, जुलाई, अगस्त आगे बढ़ते जाएंगे, हर महीने की रिपोर्ट हम इसी तरह से चेक करेंगे और चीज़ें जो है आपकी वो अच्छी तरीके से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। वापस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करते हैं। तो स्केप बटन से हम वापस आ गए और वापस आ गए और यहाँ से हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा दिखा रहा है नेट लॉस। क्या दिखा रहा है? नेट लॉस, आपका लॉस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस को अगर सही से देखा होगा या फिर आपको एंट्री में भी याद होगा, क्या 1 से 15 क्वेश्चन, यानी हमने 15 क्वेश्चन किए थे, क्या उसमें कोई ऐसी एंट्री थी जिसमें बता रहा था कि इनकम हुई? नहीं, कोई इनकम की एंट्री थी नहीं, यानी आपकी इनकम इस महीने हुई ही नहीं। जो 30,000 रुपये आपका जमा हुआ था एडवांस के रूप में, हालांकि वो इनकम ही थी, लेकिन वो अभी करंट टाइम में क्या था, लायबिलिटी था, इसलिए वो इनकम में नहीं माना जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ पर जब इनकम ही नहीं हुई लेकिन खर्चे तो हुए ना, आपको पता होगा खर्चे, स्टेशनरी पे खर्चा हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस पे खर्चा हुआ, तो जो टोटल आपके खर्चे हुए थे कितना हुआ था, 10,200 रुपये। तो खर्चे हुए, इनकम जीरो है, तो आपका लॉस ही तो हो जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि इनकम थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस थे, इसलिए जितने एक्सपेंसेस थे आपका उतना ही लॉस हो गया। तो इस महीने हमारा 10,200 रुपये का लॉस हो गया, जो कि यहाँ पर आप नेट लॉस में देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस को एक बार हम फिर से देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी छूट गई हैं। वो क्या है देखते हैं। तो डिस्प्ले में जाते हैं और ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, लेज़र वाइज कर लेते हैं या फिर इसे डिटेल में कर लेते हैं, एक ही बात है। तो इसे हम डिटेल में करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नीचे का अमाउंट आप देखेंगे, ग्रांड टोटल, ये आपका बराबर आ रहा है। अब ये बराबर कैसे आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? तो ये बराबर क्यों आ रहा है, पहले इसको समझते हैं। और बराबर ये आना भी चाहिए। बराबर आना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपका ये अमाउंट बराबर नहीं आएगा तो आपका ट्रायल बैलेंस जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली जब ये कैलकुलेट करेगा तो आपका ट्रायल बैलेंस बराबर ही देगा। अब अगर आप मैन्युअली इसको कॉपी पे बनाते हैं, देखिए जो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट है इसके आप इसे आप अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं मैन्युअली। किससे? जो आपने के 1 से 15 क्वेश्चन थे उन एंट्री को आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं, तो वो आप अभी तो नहीं, अपने आप तो नहीं बना सकते, वो हमें बताना पड़ेगा। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि हम कॉपी पे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे या फिर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें कंप्लीट। ठीक है, वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये अमाउंट बराबर कैसे आया इसको समझते हैं। बराबर इसलिए आया क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हम जो भी एंट्री करते हैं, कोई भी एंट्री करें, तो उसमें जो डेबिट का, अब मान लेते हैं डेबिट में कंप्यूटर था, डेबिट में कंप्यूटर कितना था, 22,500 रुपये था। क्रेडिट में कैश था, क्रेडिट में कैश था कितना था, 22,500 रुपये था। तो यहाँ पर डेबिट में कुछ भी हो, क्रेडिट में कुछ भी हो, लेकिन जो अमाउंट होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, वो बराबर ही होता है। हमें आपने ध्यान दिया होगा हर क्वेश्चन में अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या होता है, बराबर होता है। भले ही आपके यहाँ पर डेबिट 3 बार आए हों और क्रेडिट 1 ही बार आया हो, लेकिन फिर भी आपका जो अमाउंट होता है वो बराबर ही होता है। अगर डेबिट आपका 3 बार आया है, मान लेते हैं 5,000, 4,000 या 5,000 हो गया, 4,000 हो गया, 3,000, इस तरह से 3 बार डेबिट आया, तो आपका क्रेडिट में कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल, यहाँ पर आपका क्रेडिट में हो जाएगा टोटल 12,000 रुपये। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिट का और डेबिट का अमाउंट बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर जब क्रेडिट और डेबिट का अमाउंट हमने बराबर किया है हर एंट्री में,
तो यहाँ पर क्या हुआ, वही चीज़ें तो हैं, ये एंट्री ही तो हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनके नेम लिखे हुए हैं और उनका जो अमाउंट था, देखिए ड्राइंग जो यानी कैपिटल ड्राइंग था वो किस साइड में गया था, डेबिट में, तो वहाँ पर डेबिट में लिखा हुआ है। श्याम वर्मा क्या थे, क्रेडिट थे, तो क्रेडिट में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब डेबिट वाले डेबिट साइड में लिखे हैं और क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड में लिखे हैं, तो अमाउंट तो बराबर आना ही है, समझ गए ना। यहाँ पर अमाउंट कितना भी आए लेकिन आएगा आपका बराबर ही हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हो गया ट्रायल बैलेंस। वापस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम देख चुके हैं और अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पे जब आप एंटर करेंगे, बैलेंस शीट आप कहाँ से देखेंगे पता हो गया, रिपोर्ट्स में यहाँ पर जाके बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे, तो ये आपकी बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट क्या होती है, तो देखिए बैलेंस शीट जो होती है वो किसी भी बिजनेस की फाइनल रिपोर्ट होती है लास्ट, ठीक है, फाइनल, इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं होती। तो जो बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट में हर अकाउंट का एक्चुअल अमाउंट होता है, हर अकाउंट का क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट होता है। जैसे यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट देखें, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 7,95,500। अब ये कैसे दिखा रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में हमने कितना पैसा लगाया था, 8 लाख रुपये, कितना लगाया था, 8 लाख, तो 8 लाख दिखाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि हमने लास्ट में 4,500 रुपये निकाल भी तो लिए थे, तो अगर आप 8 लाख बिजनेस में लगाते हैं और 4,500 रुपये निकाल लेते हैं, तो आपका बचेगा कितना, तो वो यहाँ पर आपका कैपिटल अकाउंट में दिखा रहा है बैलेंस शीट में कि आपका कितना अमाउंट बचा है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज कितना है, तो ये आपका है 51,200। फिक्स्ड असेट्स कितना है, 65,700। करंट असेट्स 7,70,800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 10,200 रुपये, 10,200 रुपये ये वही है जो लॉस हुआ था अभी हमारा, ठीक है, तो ये भी इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक। तो ये होती है आपकी बैलेंस शीट जो कि बिल्कुल फाइनल रिपोर्ट होती है। बैलेंस शीट से हमें एक्चुअली में पता चलता है कि कैपिटल अकाउंट कितना है, करंट लाइबिलिटीज कितनी, फिक्स्ड असेट्स कितना है, करंट असेट्स कितना है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअली में पता चलती हैं। जबकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में चीज़ें जो होती है वो माइनस नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ट्रायल बैलेंस देखें, वापस से मैं एक नज़र आपको दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर देखिए इसे हम डिटेल में करते हैं, और यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स भी लिखा है और श्याम वर्मा भी लिखे हैं, तो हमें इन दोनों से नहीं मतलब है, हमें क्या मतलब है, हमें सब इतना मतलब है कि कैपिटल अकाउंट कितना बचा, तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को माइनस कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक्सपेंसेज, मान लेते हैं एक्सपेंसेज कई सारे होते हैं और लंबी लिस्ट होती, इनकम की और लंबी लिस्ट होती, तो ये ट्रायल बैलेंस में हमें एक एक करके सभी चीज़ों की एंट्री दिखाता है, लेकिन बैलेंस शीट में हमें सिर्फ टोटलिंग अमाउंट दिखाता है, समझ गए ना। तो यही होती है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपकी तीन रिपोर्ट्स होती हैं जो कि मेन होती हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम टैली में कैसे चेक करते हैं ये हमने देख लिया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस या किसी भी रिपोर्ट को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो हम जाते हैं डिस्प्ले में और ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, और आपको मान लेते हैं ये ट्रायल बैलेंस जो है एक्सपोर्ट करना है, मीन्स इसकी आप JPG फाइल या फिर PDF फाइल बनाना चाहते हैं, और बनाने के बाद आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं या फिर उसको मेल करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कैसे, तो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये आपकी जो ट्रायल बैलेंस है ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ये डिटेल नहीं है, अगर यहाँ पे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल में एक्सपोर्ट होगा, और अगर आप डिटेल में नहीं क्लिक करते हैं तो ये आपका सिर्फ मेन मेन ग्रुप जो है यही एक्सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम डिटेल में लगाते हैं और ये आपका डिटेल में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। देखिए जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, ट्रायल बैलेंस हो, या कोई डिस्प्ले में जाकर के, डे बुक में जाकर के कोई भी एंट्री हो, कुछ भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बस आपके सामने वो चीज़ होनी चाहिए। अभी हमारे सामने ट्रायल बैलेंस ओपन है, बस आप ऊपर जा करके यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी, और फाइनली जब आप इसे यस करेंगे, और यस करते ही अगर आपका प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यस करते ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिलहाल हम यहाँ पर प्रिंटर नहीं जुड़ा है, इसलिए इसे वापस आते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं इसे हम। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट के ऊपर, और जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, तो यहाँ पर हम इसे बैक स्पेस बटन से, बैक स्पेस से ऊपर चले जाएंगे, देखिए डायरेक्ट आ गए। तो यहाँ पर लैंग्वेज में आपको डिफॉल्ट वही सेट कर देना है, ऑल लैंग्वेजेस। फॉर्मेट में यहाँ पर हो सकता है आपके सामने XML दिखा रहा हो, और आपके सामने XML ही दिखा रहा होगा, तो XML की जगह पर यहाँ पर आप PDF में चेंज कर सकते हैं, जैसे PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या JPG फाइल बनाना चाहते हैं, या फिर एक्सेल यानी एक्सेल फाइल बनाना चाहते हैं स्प्रेडशीट में, तो आप जो भी चाहते हैं। तो हम यहाँ पर JPG में निकालते हैं, JPG यानी इमेज के रूप में, ठीक है, JPG सेट कर दिया, एंटर करेंगे, एक्सपोर्ट लोकेशन पूछ रहा है, यानी जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो कहाँ पर सेव हो जाके, तो ये बाई डिफॉल्ट डी ड्राइव में टैली नाम के फोल्डर में ये ले रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी कंपनी ये वाली बनी है वो कहाँ बनी है,
टी ड्राइव में टैली नाम के फोल्डर के अंदर ही बनी है, तो बाय डिफॉल्ट ये वही लोकेशन ले रहा है। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं लोकेशन तो बदल सकते हैं, ठीक है, फिलहाल हम नहीं बदलते हैं। और यहाँ पर आप आउटपुट फाइल नेम रख सकते हैं, तो यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट ट्रायल बैलेंस ले लिया है, आप चाहें तो बदल सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर हम नहीं बदलते। बदलने के लिए आपको सिंपल टाइप कर देना है, और जब आप नाम बदलेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें नाम आप इधर का कोई भी रखें लेकिन लास्ट में आपको डॉट जे पी जी लगा ही देना है, डॉट जे पी जी लगा देना है, ठीक है। एंटर करते हैं, यहाँ पर आपका ये पेज पूछ रहा है कि पेपर का साइज़ क्या हो, A4 या A5 या लेटर पे एक्सपोर्ट करना है, तो हमें A4 पे करना है, ठीक है। और पोर्ट्रेट रखना है ट्रायल बैलेंस या फिर लैंडस्केप रखना है। पेज ओरिएंटेशन के बारे में पता होगा, पोर्ट्रेट आपका क्या होता है, ये होता है आपका पोर्ट्रेट पेज और ये होता है आपका लैंडस्केप पेज, ठीक है। तो आपको कैसा रखना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, फिलहाल इसे हम पोर्ट्रेट रखते हैं और एंटर करते हैं फाइनली इसे हम। अब बाकी जो ये ऑप्शन है इन्हें हम किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में जानेंगे, प्रिंट के रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ईमेल, अपलोड, ये सब चीज़ें हम किसी वीडियो में डिटेल में इनको हम एक एक करके कवर करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी इसमें से कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो जब हम टैली में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी और तभी हम इनको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम एंटर करते हैं, एंटर एंटर, और इसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। फाइनली ये आपकी जो ट्रायल बैलेंस है जेपीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गया है। इसकी जो लोकेशन हमने रखी थी वो माय कंप्यूटर यानी दिस पीसी में डी ड्राइव में टैली नाम के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे, ये देखिए ये ट्रायल बैलेंस, ये आ गई आपकी फाइल जो कि जेपीजी है, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए तो ये देखिए आपका ट्रायल बैलेंस है। इसे हम जूम कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये जूम हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपका ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है, आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट वही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर डेट और नेम दिखा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर UPCSS जो ऊपर नाम लिखा है ना, तो ये क्या है, मेलिंग नेम। अब मेलिंग नेम हमने UPCSS ही रखा था अपनी कंपनी का, इसलिए मेलिंग नेम UPCSS ही दिखा रहा है। और बाकी यहाँ पर ये ग्रैंड टोटल लास्ट में दिखा रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट आपका ट्रायल बैलेंस है जो कि हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो टैली में यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें जो थी वो आपके क्लियर हो चुकी होंगी, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब बात करते हैं थोड़ी सी जो हमने बताया था कि वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो देखिए जो ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रिपोर्ट्स होती हैं, तो रियल लाइफ में क्या होता है, यानी रियल बिजनेस में जब आप वर्क करेंगे तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के आपको सिर्फ एंट्री करनी होती है, ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में की थी, यानी आपको सिर्फ एंट्री करनी होती है। बाकी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो टैली खुद ब खुद जनरेट करके आपको दे देता है, आपको बनाना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये कैसे बनता है कॉपी पर, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कमेंट ज़्यादा हुई, ज़्यादा लोग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम कॉपी पर कैसे बनाते हैं, मैन्युअली बनाना आपको हम बताएंगे, किसी भी वीडियो में बता सकते हैं, अगले वीडियो में या फिर उसके अगले वीडियो में। तो आपको कमेंट करके बताना है इसी वीडियो में कि आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं कि नहीं। ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रियल वर्क में जो होता है वो कॉपी पे नहीं बनाया जाता ना, इसलिए। तो हो सकता है मे बी कुछ लोग ना सीखना चाहते हों ये चीज़, या फिर हो सकता है कि कोई लोग नहीं सीखना चाहते हैं, इसलिए आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं या फिर नहीं सीखना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम बिल्कुल सिखाएंगे, और कॉपी पे आप कैसे बनाएंगे, सारी रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे, वो सब हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। और वो सेपरेट वीडियो जो होगा वो मान के चलिए आप 1 आवर का हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में ये रिपोर्ट्स लगभग जनरेट होंगी, ठीक है। और जैसे जैसे एंट्री ज़्यादा होती है, एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर देखा होगा कि अप्रैल मंथ में सिर्फ आपकी कितनी एंट्री थी, 15 एंट्री थी बस, तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने में आपको 1 घंटा लगता है मान के चलिए। नॉर्मली अगर आपके पास स्पीड है तो आप इसको कम समय में भी बना सकते हैं, हालांकि 1 घंटा नहीं लगेगा, लेकिन आपको हम सिखाएंगे, वीडियो बनेगा तो उसमें 1 घंटा लग जाएगा। बाकी 15 एंट्रियाँ हैं, और आप ट्रायल बैलेंस अगर हम अपनी बात करें बनाते हैं, तो इसको बनाने में मात्र वही 5 से 6 मिनट या 10 मिनट का ही टाइम लगेगा और ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बताएंगे तो उसमें सारी रिपोर्ट्स होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगली वीडियो में हम अप्रैल के बाद जो अगली एंट्री है मई की, तो मई की एंट्री को हम टैली में करना देखेंगे, और उसके बाद हम इसकी भी रिपोर्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके हमारा क्या होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पूरा लास्ट तक 12 मंथ की एंट्री हम टैली में करेंगे, ठीक है। फिर 1 साल बाद जब, यानी हमने 12 मंथ की एंट्री हम कर लेंगे, उसके बाद हमारी एक फाइनल रिपोर्ट होगी जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो हम जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारे पास फिर से कुछ नई चीज़ें आएंगी। तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अप्रैल की एंट्री करनी है, मई की एंट्री करनी है, जून की एंट्री करनी है।
तो अब आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप करने की कोशिश ना करें। अभी हम लगभग मई की और जून की, मतलब 2-3 महीने की एंट्री आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए, और फिर उसके बाद चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं और आप खुद से कर भी पाएंगे क्योंकि तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं जो हमने बातें आपको बताई हैं, आप अपनी राय दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।